सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। और गाइज यार, आप देख सकते हैं यहां पूरी तरह से माहौल सज चुका है इस जेपी गंगा पाथवे पर। और गाइज फाइनली आज इस जेपी गंगा पाथवे की सौगात पूरे पटना वासियों को मिलने जा रही है। स्टार्ट हो रहा है यहां पटना मरीन ड्राइव और बंद करिए पूरी तरह से तैयार हो गया और थोड़ी देर में इसका उद्घाटन भी होने वाला है। तो बस मुख्यमंत्री जी भी पहुंच चुके हैं पीएमसीएस तक और पीएमसीएस से बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं और बस कुछ ही पलों में यहाँ पर उद्घाटन होने वाला है। तो सब कोई आप लोग देख सकते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पब्लिक आ चुकी है और काफी ज्यादा भीड़ है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ इस जेपी गंगा पाथवे के उद्घाटन के लिए 100-200 की संख्या में नहीं बल्कि हजारों लोगों की भीड़ यहाँ जुटी हुई है इस शानदार से जेपी गंगा पाथवे के उद्घाटन को अपने कैमरों में कैद करने के लिए। और गाइस फाइनली आज 14 अगस्त 2023 की तारीख पटना वासियों के लिए एक यादगार दिन बनने जा रहा है। अब से थोड़े ही देर में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस जेपी गंगा पाथवे का इनॉग्रेशन किया जाएगा। बाकी उससे पहले यहां आए हुए जितने भी लोग हैं उनके बीच उत्साह आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा लोग यहां एक्साइटेड हैं और इनके चेहरे की खुशियां बताने के लिए काफी है कि यहां लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं इस जेपी गंगा पाथवे के फेज 2 को लेकर, जो कि यहां गाय घाट से लेकर सीधे दीघा तक को जोड़ रहा है और कुछ मिनटों में ही ये दूरी यहां से कवर हो पाएगी। और गाइस फाइनली आप यहां देख सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की गाड़ी भी यहां आ चुकी है और ये रहे सामने नीतीश कुमार और साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार यादव। और अब यहां पर रिबन काटकर बैलून जो है उसे आसमान में छोड़ा जाएगा, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाइज लीजिए, जिसका इंतजार इतने टाइम से हो रहा था फाइनली उसका उद्घाटन यहां कर दिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। और आप देख सकते हैं अभी नीतीश कुमार मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और मीडिया कर्मी से भी अभी बात करेंगे। और यहां गाय घाट से आगे जो इस जेपी गंगा पाथवे का थर्ड फेज में काम होना है उसका अभी यहां मुख्यमंत्री द्वारा जायजा लिया जा रहा है। तो गाइस आप यहां देख सकते हैं अभी नीतीश कुमार यहां लोगों से बात कर रहे थे और अब ये यहां से निकल रहे हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि यहां के बाद से जो अगली इनॉग्रेशन होने वाली है वो हड़ताली मोड़ चौक पर जो फ्लाईओवर तैयार किया गया है उसका इनॉग्रेशन भी आज होने वाला है। तो अब मुख्यमंत्री जी वहां के लिए निकल रहे हैं। और इस 15 तारीख से पहले आप लोग की जेपी गंगा पाथवे की सौगात भी मिल गई है, तो चलिए फिर एक छोटी सी राइड पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ उद्घाटन होते ही लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया है। और गाइज ये रहे हमारे बिहार के फेमस यूट्यूबर साहेब भैया जो अभी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो गाइस चलिए एक छोटी सी राइड फिर से करते हैं इस जेपी गंगा पाथवे की और अभी कितनी भीड़ है और लोग क्या कर रहे हैं इस जेपी गंगा पाथवे पर वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूं। तो गाइस फाइनली इस जेपी गंगा पाथवे का इनॉग्रेशन कर दिया गया और आप देख सकते हैं लोगों का यहाँ आना जाना भी स्टार्ट हो गया है। और गाइस यहाँ आप देख सकते हैं लोगों का सैलाब आ रखा है, यहाँ पर काफी सारी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं और ज्यादातर लोग यहाँ गाय घाट से ही आए हुए हैं और सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं को मिलने वाला है। एक्चुअली सेकंड फेज के शुरू होने से जो लोग गाय घाट की तरफ रहने वाले हैं या जिनको आना जाना करना होता है गांधी मैदान या दीघा के साइड, वो अब बड़े ही आसानी से बिना किसी जाम का सामना किए बगैर कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुँच सकते हैं। और गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पैदल ही इस जेपी गंगा पाथवे पर जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम भी चलते हैं और देखते हैं कि लोग क्या कुछ कर रहे हैं इस जेपी गंगा पाथवे पर। तो गाइज लीजिए यहाँ ये तो खुलते ही इस जेपी गंगा पाथवे पर जाम लगना शुरू हो चुका है। गाइज ये रहे हमारे ड्रोन पायलट कैंडीमैन ब्लॉग और ये भी हमारे साथ इस जेपी गंगा पाथवे पर राइड कर रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्या कुछ लोग यहाँ कर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कई सारे लोग पुल पे ही सेल्फी वगैरह ले रहे हैं और काफी संख्या में यहाँ पर लोग आपको बैठे हुए ही दिख जाएंगे। और गाइस सामने ये रहा ऊपर अपना गांधी सेतु और इसके ठीक नीचे से क्रॉस कर रहा है ये जेपी गंगा पाथवे। और गाइस शाम भी यहाँ हो रही है और आप देख सकते हो पैदल साइकिल से या फिर बाइक कार सब कुछ यहाँ आपको इस ब्रिज पर चलता हुआ देखने को मिल जाएगा। और गाइज आप देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे दिन ढलता जा रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है ये जेपी गंगा पाथवे। वैसे गाइज बात करूँ इस गंगा पाथवे पर स्पीड की तो स्पीड लिमिट 40 रखी गई है और अभी सिर्फ एक लेन पर ही गाड़ियों का आना जाना हो रहा है, तो इससे ऊपर की स्पीड यहाँ काफी खतरनाक भी हो सकती है। तो थोड़ा संभल कर ड्राइव कीजिएगा पटना के इस मरीन ड्राइव पर।
वैसे इसका इंतजार काफी टाइम से हो रहा था कि कब ये पीएमसीएच से गाय घाट वाला कॉरिडोर चालू होगा, और यहाँ लोगों की भीड़ और उनकी एक्साइटमेंट ये बता रही है कि लोग कितने खुश हैं इस जेपी गंगा पाथवे के फेज टू के चालू होने से। कई सारे लोग आपको यहाँ सेल्फी लेते हुए देखने को मिल जाएंगे। वैसे आप देख सकते हैं कुछ लोग स्टंटबाजी भी कर रहे हैं, जो कि उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है। बाकी ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और गाइज यहाँ इनका तो अलग ही क्रेज चल रहा है। वैसे आज ये सब अलाउ है, थोड़ी मस्ती चल सकती है, बट मैं आपको बता दूं कि जल्द ही इस रूट पर भी कैमरा लगने वाला है, तो चालान घर तक पहुँचने में देर नहीं लगने वाली है, सो बी केयरफुल। खैर गाइज, बात करूँ गाय घाट से पीएमसीएच के बीच की दूरी की, तो करीब 4.5 किलोमीटर लंबा है ये लेन, और टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो दीघा से लेकर गाय घाट तक की दूरी 12.5 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में आपको कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो गाइज, अब आप दीघा से लेकर गाय घाट या गाय घाट से लेकर दीघा तक का सफर काफी कम समय में पूरा कर पाएंगे, और अशोक राजपथ पर जो आपको जाम का सामना करना पड़ता था उससे अब आपको बिल्कुल छुटकारा मिल चुका है। और आज 14 अगस्त 2023 से आप इस शानदार से पटना के मरीन ड्राइव पर सफर का आनंद ले पाएंगे। तो गाइज, ये था यहाँ गाय घाट से लेकर पीएमसीएच तक चालू कर दिए गए जेपी गंगा पाथवे के फेज टू का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पटना और उसके आसपास के ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए, तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। दीघा से पटना चिकित्सा महाविद्यालय तक के पथ निर्माण के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 24 जून 2022 को किया गया। अनुभवी टीम द्वारा सभी सुरक्षा मानकों के साथ पीएमसीएच से गाय घाट तक के गंगा पथ का गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूरा किया गया, और आज इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है, और पूर्वी पटना के निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब किसी विकट परिस्थिति में लोग सिर्फ 10 मिनट में एनएमसीएच से पीएमसीएच और मात्र 30 मिनट में एनएमसीएच से एम्स पहुंच जाएंगे। दीघा से गाय घाट जाने में लगने वाला लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय घटकर मात्र 15 मिनट का हो जाएगा। उपरांत जेपी गंगा पथ की संपर्कता अशोक राजपथ से 8 स्थानों पर तथा पटना शहर में गंगा नदी पर बन रहे 5 पुलों से हो जाएगी, जिससे उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार आने जाने में काफी सहूलियत होगी। जेपी गंगा पथ के निर्माण से पटना सिटी और वहां स्थित गुरुद्वारा आना जाना भी बहुत ही आसान हो जाएगा।